नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। नगरपालिका प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए भारत रक्षा दल के कोर कमेटी सदस्य मोहम्मद अफजल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी सदर को पत्र सौंपा गया, जिसमें आरोप है कि वर्तमान में नाला नाली की सफाई नहीं हो रही है और नाली की पटिया टूटने से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने पत्र सौंपकर मानसून आने के पूर्व ही समस्या से निजात दिलाने की मांग उठाई है। सौंपे गए शिकायती पत्र में भारत के कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद अफजल ने कहा कि कटरा त्रिमुहानी से मोहल्ला गुरुटोला एक तखा पुल तक जो नाला बना है काफ़ी दिनों से पटा पड़ा हुआ है। उक्त क्षेत्र घनी आबादी में है। नाला का पानी आमजन के लिए परेशानियों का समूह बना हुआ है। इस विषय को लेकर कई बार शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन उदासीनता के चलते आज तक समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। आरोप है कि अभी हाल ही में कुछ घंटे की बारिश ने मोहल्ले में नाले के गंदे पानी का जमा हो गया, लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया। अफजल ने कहा कि वर्तमान में संक्रमण का दौर है, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मामले को प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाए। साथ ही अफजल ने बताया कि मोहल्ले में प्रवेश द्वार पर ही जो बड़ा पटिया रखा गया था वह टूटकर लटका पड़ा है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उक्त मामले का सप्ताह भर के अंदर निस्तारण नहीं हुआ तो भारत मुखर होने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासक की होगी। इस मौके पर डॉक्टर तारिक, इप्पी, फहीम अहमद, एहतसाम सिबली, शाहिद अबरार, रसमणी अबिदा, मोहम्मद अबसाद, मोहम्मद खालिद, नूरजहां मोहल्ला गुरुटोला एक टका पुल में जो औरंगजेब के जमाने का एक टका पुल माना जाना है। कटरा त्रिमोहानी से लेके एक टका पुल जो नाला जो है बंधे बाईपास से निकल जाता है, उस नाले काफ़ी दिन से जमा हुआ है। अभी बरसात में दो चार दिन पहले पानी हुआ था, पूरे घरों में पानी भर गया। मैं संबंधित अधिकारी, सफाई अधिकारी को मैं आवेदन भी कर चुका हूँ कि वहाँ पर नाला साफ़ किया जाए। आज तक नाला नहीं साफ हुआ है और जब से गली का निर्माण हुआ है उसमें गली के निर्माण में पटिया जो है हमें दो चार जगह पटिया हमारी टूट गई है। आए दिन वहाँ पर गाड़ियाँ आती मोहल्ले में फंस जाती है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन गैस एजेंसी का टेम्पो गया था, वो टेम्पो वहाँ पर गिर के फंस गया था। मोहल्ले के लोगों ने